बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे आए दिन हो रहे हैं। इस मामले की जांच पड़ताल मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बाद अब सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। आपको बता दें, सुसाइड मामले में न्यूज़ चैनल के जरिए आए दिन कुछ न कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिनको जानकर फैंस आश्चर्यचकित होते नजर आ रहे हैं। अब हाल ही में एक और ऐसा खुलासा हुआ है जिससे जानने के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई थी, उस दिन उनकी बिल्डिंग में एक मिस्ट्री वूमन को देखे जाने का दावा किया जा रहा है। वही दावा ये भी किया जा रहा है कि इसके वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें इस महिला को देखा गया है। बता दें कि ये दावा रिपब्लिक टीवी द्वारा किया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी को सुशांत सिंह की मौत के दिन की तस्वीरें और 3 फुटेज मिली हैं, जिसमें देखा गया है कि सुशांत सिंह के बेडरूम में एक शख्स काले कलर के बैग के साथ नजर आ रहा है। वहीं इसकी दूसरी वीडियो में शख्स बैग लेकर बिल्डिंग के नीचे भागता दिख रहा है। ये शख्स वापस दिखता है, लेकिन इस बार बिना बैग के। उसके बाद वीडियो में बिल्डिंग के बाहर निकलती एक महिला दिखाई दे रही है, जो पहले 2 वीडियो में नज़र आ रहे शख्स से बात करती है और फिर चली जाती है। उस महिला ने ब्लू स्ट्राइप टॉप पहना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये सब पुलिस की निगरानी में किया गया है, लेकिन ये दोनों कौन हैं वो अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उन दोनों ने मास्क पहना हुआ है। सुशांत के पिता के वकील ने न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्होंने इन वीडियोस में नजर आ रहे शख्स और महिला पर शक जाहिर किया है। इसके साथ ही मांग की है कि इस महिला की पहचान का पता लगाया जाए। हालांकि ये दावा कितना सच है, कोई वीडियो फुटेज सामने आया है या नहीं, और ये सच है या नहीं, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल ये बातें सुशांत केस में जोर पकड़ती नजर आ रही हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।